हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार के प्राणों का बलिदान करने वाले और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व जयपुर के गुरुद्वारों में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते इस बार गुरुद्वारों में सादगी पूर्ण तरीके से कार्यक्रम हुए। वहीं सुबह से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जो दिन भर संगत ने कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना के साथ गुरु ग्रंथ साहिबा के समक्ष मथा टेक कर सरबत के भले ही अरदास की। इस अवसर पर जगह जगह छबीले लगाकर प्रसाद वितरण सहित अन्य सेवा कार्य किए गए। अमृतसर, दिल्ली सहित अन्य जगहों से आए रागी जत्थे साध संगत को गुरुवाणी, शब्द कीर्तन और गुरुमत विचारों से निहाल किया। मुख्य आयोजन गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा राजा पार्क में सुबह नितनेम के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इस मौके पर पालकी साहिब पर फूलों सजावट की गयी। सिंह जी के प्रकाश पर्व पे आज गुरुद्वारा राजा पार्क में कीर्तन का आयोजन किया गया है और आज के दिन मेरे ख्याल दुनिया विश्व पूरे विश्व में गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी को जाना जाता है। उन्होंने जुर्म के खिलाफ लड़ाई की, किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं लड़ाई की, जुर्म के खिलाफ लड़ाई की। 1968 में पटना साहिब बिहार में हुआ, उस समय उनके पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज असम और उत्तर पूर्व की यात्रा पर थे। 5 वर्ष पश्चात उन्होंने बालक का मुख देखा। 9 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु, धार्मिक स्वतंत्रता हेतु अपने पिता का बलिदान दिया। उसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा